हेलो गाइस, आज फिर स्वागत है एक नए वीडियो से। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जो वीडियो एडिटिंग का एक और नया एप्लीकेशन है, जैसे कि चाइनीज ऐप अपने भारत में बैन हो चुके हैं, उसके बाद एक और मैं आपको एक नए एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि वीडियो एडिटिंग के लिए बहुत ही बेहतर है। ठीक है, तो उस एप्लीकेशन का नाम है वीटा, जो कि वीटा एप्लीकेशन है, बेस्ट एप्लीकेशन है। इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर मिलेंगे आपको देखने को, और इसमें अच्छी तरह से आप फुल HD इसमें आप वीडियो एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको इस एप्लीकेशन के बारे में किस तरह से एडिट करते हैं वीडियो, तो मैं आपको इसमें पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस करो, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं वीडियो। अब हम आ चुके हैं मोबाइल स्क्रीन की ओर। सबसे पहले मैं आपको जो बता रहा हूँ, जैसे कि वो वीटा जो एप्लीकेशन है, एडिटर, न्यू एडिटर एप्लीकेशन है, यह एप्लीकेशन अपने इंडिया चाइनीज़ ऐप जैसे काइन मास्टर है, जो कि और भी काइन मास्टर जो भी चाइनीज़ ऐप है उनको छोड़कर ये चाइनीज़ ऐप ना होते हुए, ठीक है, चाइनीज़ ऐप नहीं है वीटा, ये एडिटर ऐप है। बहुत ही इसमें अच्छे अच्छे फीचर मेरे को देखने को मिले हैं, मैंने देखा है। ठीक है, तो मैं एक वीडियो आपको चला के बताता हूँ, उसमें एडिट करके बताता हूँ तो कैसे क्या एडिट होता है। ठीक है, आपको अच्छे अच्छे क्या क्या फीचर है मैं आपको इसमें पूरा बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक वीडियो ओपन कर लिया है, इसमें मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या फीचर है। ठीक है, तो आप यहाँ से फर्स्ट में आपको यहाँ से कटर का ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ से काट भी सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको मिल जाएगा ये रेशो, यहाँ से आप उसको छो या क्रॉप भी कर सकते हो। उसके बाद आपको इफ़ेक्ट, यहाँ से इफ़ेक्ट डालना है तो आप यहाँ से इफ़ेक्ट डाल सकते हो, जैसे कि बहुत सारे आपको इफ़ेक्ट देखने को मिल जाएगी जैसे कि नेट से चलेंगे। ठीक, तो यहाँ पे बहुत सारे इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। ये आप रिकॉर्डिंग का चलाना है तो ब्लर करना चाहते हो तो ये ब्लर कर सकते हो, इसको ये ब्लर हो गया, ये पूरा ही ब्लर हो गया, इसी तरह से ब्लर कर सकते हो आप इसमें। ठीक है, बहुत सारे इफ़ेक्ट है, आप कुछ इस तरह से इफ़ेक्ट डाल सकते हो, ये कुछ इस तरह से इफ़ेक्ट डाल सकते हो। ठीक, और भी बहुत सारे अलग अलग तरह के इफ़ेक्ट है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन में आपको फ्रेम की आपको दिखेगा, कुछ इस तरह से आपका फ्रेम डायग्राम भी आपको इसमें एडिटिंग का इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपका थर्ड नंबर का है रेट्रो, इसमें आपको रेट्रो का तरह से आपको कुछ ब्लर या कुछ इस तरह से आपको इमोशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद थर्ड नंबर पे है मेंशन आपको मिलेगा, जूमिंग फर्स्ट है ना, उसके बाद लाइटिंग का मिल जाएगा आपको, उसके बाद पार्टिकल्स आपको मिल जाएगा इसमें इफ़ेक्ट, हर्ट्स इफ़ेक्ट मिल जाएगा, नेचर इफ़ेक्ट मिल जाएगा आपको, कुछ इस तरह से बहुत सारे इसमें आपको इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पे आपको टेक्स्ट, अगर आप यहाँ पे वीडियो पर अगर कोई भी टेक्स्ट टाइप करना चाहते हो तो कुछ इस तरह से टाइप करके आप यहाँ पर सेव करके तो आप इसको लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको सेकेंड नंबर पर अगला नंबर पर आता है इसमें आप इसमें फ़ॉन्ट भी चेंज करते हो, एनिमेशन आपको इसमें एनिमेशन देना है तो एनिमेशन भी आप दे सकते हो, कुछ बहुत सारे इफ़ेक्ट है इसमें, लैंग्वेज कितनी दे गई रखी है स्टाइलिश, ठीक है, कितनी ये स्टाइल, बहुत सारे स्टाइलिश इसमें टेक्स्ट की, जो कि काइन मास्टर या अदर एप्लीकेशन से भी बेहतरीन आपको इसमें स्टाइलिश देखने को मिलेगी। फ़ॉन्ट भी कितने हैं, ठीक है, बहुत सारे फ़ॉन्ट है, मतलब मेरे को तो काइन मास्टर अच्छा ये लगा है। ठीक है, उसके बाद आपको अगला मिलेगा कॉपी का, इसमें मिल जाएगा उसके बाद। ठीक है, अब अगला ऑप्शन टेक्स्ट के बाद आपको स्टिकर आपको मिल जाएंगे, इसमें स्टिकर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे स्टिकर जो कि जो पहले एप्लीकेशन एडिटिंग थे वो एडिटर थे वो उसमें नहीं है, इस उससे ज़्यादा भी इसमें है। ठीक है, उसके बाद आपको मिलेंगे म्यूज़िक, इसमें आप अगर अदर म्यूज़िक भी इसमें लगा सकते हैं। उसके बाद इसमें आपको इसी एप्लीकेशन में आपको नो कॉपीराइट इसमें म्यूज़िक आपको मिल जाएंगे। ठीक, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारे हैं। ठीक, उसके बाद आपको अगला ऑप्शन मिलेगा आपको वॉल्यूम का, इसमें वॉल्यूम का भी मिल जाएगा। ठीक है, आपको वो वीडियो को वॉल्यूम कम ज़्यादा करनी हो या बढ़ाना हो। ठीक, उसका फ़िल्टर, उसमें फ़िल्टर आपको मिल जाएंगे अलग अलग तरीके। ठीक, आपको कौन सा फ़िल्टर रखना है, कुछ इस तरह ग्लो रखना है या, ठीक है, तो
कुछ फूड रखना है, कुछ इस तरह से आपको ग्लो मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन आपको मिलेगा बीजी कलर, कुछ इस तरह बीजी कलर भी आपको इसमें आपको देखने को मिलेगा। स्पीड, आप इस वीडियो की स्पीड कितना रखना चाहते हो, स्पीड कम ज़्यादा भी आप इसमें कर सकते हैं। स्केल, स्केल में आपको आप कर सकते हैं, ठीक है, इसमें छोटा बड़ा बड़ा जो है ना स्केल कर सकते हैं। स्केल के बाद आपको मिलेगा रोटेट, तो आप इसमें रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर, ऑर्डर भी आप भी इसमें कर सकते हैं। उसके बाद कुछ इस तरह से आपको इफेक्ट आपको इसमें देखने को मिलेंगे, तो बहुत सब बेस्ट एप्लीकेशन है, ठीक है। टेम्पलेट, इसमें आपको टेम्पलेट यहाँ से टेम्पलेट मिल जाएंगे, टेम्पलेट भी मिल जाएंगे एडिटिंग के लिए, ठीक है। फ़ोटो एडिटिंग, फ़ोटोज़ की वीडियो को एडिटिंग करना है तो आपको यहाँ से टेम्पलेट मिल जाएंगे, प्रोजेक्ट आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके आपको तो आपको यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे, प्रोजेक्ट जैसे कि ये कर लिया, ठीक है। यहाँ से ये करने के बाद आपको ये एक्सपोर्ट करना है, तो यहाँ से आपको एक्सपोर्ट हो जाएगा, तो कुछ इस तरह से अपने गैलरी में सेव हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है वीटा के बारे में, जो कि वीडियो एडिट एप्लीकेशन है, बहुत ही बेस्ट है। चाइनीज़ ऐप को छोड़कर, जैसे काइन मास्टर है और भी है एप्लीकेशन, उनको छोड़ के ये चाइनीज़ एप्लीकेशन नहीं है, वीटा है, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू, वंदे मातरम। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो छोटा सा लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि वो भी वीडियो को एडिट करने में उसकी भी मदद हो सके। तो अगर इस वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं, और आप अगला वीडियो कौन सा चाहते हैं वो भी आप मेरे को पूछ सकते हैं, तो मैं उस अगला वीडियो आपकी टॉपिक के अनुसार आपको पेश कर दूंगा। थैंक यू, वंदे मातरम।